मैंने बदला है खुद को। हाँ, ये बदलाव आसान नहीं रहा, पर खुद को खुद से ढूंढने का सफर काफी दिलचस्प रहा। आज जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मेरे दिल के करीब है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, मैं वर्षा गोयल। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बहुत सारी बातें अपने वेट लॉस के बारे में बताई, बहुत सारी चीजें जो ऐसी स्ट्रगल्स थी, जो मैं गलतियां कर रही थी, जिन मिथ्स को मैं फॉलो कर रही थी, वो सब मैंने बताया। बट आज जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मेरे दिल के करीब है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को अभी तक कंटिन्यू कर पाई हूँ, सस्टेन कर पाई हूँ। तो जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो है मेरी मेंटल हेल्थ। जब भी मैं वेट लॉस करने की सोचती थी तो मेरा ध्यान कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ पे नहीं जाता था, मेरा सारा फोकस अपने वेट लॉस पे रहता था। मुझे अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस रहता था कि मुझे ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, इस पर्टिकुलर साइज में फिट होना है, या किसी ने मुझे टॉन्ट कर दिया तो मुझे भाई मुझे जल्दी से सही होना है। पहले मैं जब भी वेट कम करने की सोचती थी तो मेरे अंदर एक डर था, एक स्ट्रेस था, एक एंजाइटी रहती थी कि मुझे वेट कम करना है, मेरा वेट कम नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों के ताने मेरे दिमाग में लगता था कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं कैसे पतली होंगी, मैं ऐसी क्यों। मेरे लिए पतला होना सिर्फ लोगों की ओपिनियन के लिए था, मुझे लगता था कि बस मैं पतली हो जाऊं, उसने मुझे ताना मारा है तो मुझे अब उसको पतला होके दिखाना है। बेसिकली मेरा जो पतले होने का पहले रीजन हुआ करता था वो सिर्फ अपनी आउटर अपीयरेंस को सुधारने के लिए था। मैंने कभी साड़ी पहनी है, मेरा साड़ी में पेट दिख रहा है और किसी ने मुझे बोल दिया कि तू बहुत मोटी लग रही है तो बस मुझे पतला होना है, इस पेट को कम करना है, तो सारा मेरा फोकस जो रहता था वो दूसरों के ताने, दूसरों के लिए। जब भी मैं पतला होने की सोचती थी, जब मेरा वेट लॉस करती थी तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, ओवर एक्साइटेड हो जाती थी, और जब मेरा वेट गेन होने लगता था तो मैं और ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती थी, और ज्यादा टेंशन ले लेती थी, कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, मुझे लगने लगता था कि शायद ये वेट लॉस मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझसे ये होगा ही नहीं। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी उस टाइम, बहुत सारा बोझ था मेरे दिमाग में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, ट्रॉमा को लेके, लोगों के तानों को लेके। हमेशा लगता था कि वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और उन सब चीजों में मैं इतनी उलझ गई थी, मैं इन सब चीजों से उभर ही नहीं पा रही थी। मैं हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करती थी कि बस मैं कुछ भी करूं सब मुझसे खुश रहे, मैं अपना 100% देती थी। हमेशा लगता था मैं ऐसा क्या करूं? उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी हूँ, और इसी चक्कर में मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल खत्म कर दिया था। मेरी आइडेंटिटी कहीं लॉस हो गई थी, मैं थी ही नहीं, बस दूसरों के लिए ऐसा लगता था बस इसको भी खुश रखूं, उसको भी खुश रखूं, इसका भी ध्यान रखूं, उसका भी ध्यान रखूं, बस सबको 100% दूं, परफेक्ट बनूं एकदम। पर फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि मैं सबको खुश नहीं रख सकती, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी के लिए भी आप कितना भी कर लो बट आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमेशा रह जाती है। धीरे धीरे मैंने उस बोझ को कम करना शुरू किया, मुझे चीजें समझ में आने लगी कि आई कांट बी परफेक्ट, इनफैक्ट नोबडी कैन बी परफेक्ट, तो मैं क्यों उस परफेक्शनिज्म के पीछे पड़ी हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपनी खुशियां ढूंढनी शुरू करी कि मुझे क्या करने से खुशी मिलती है, दूसरों को तो मैं खुशी दे रही हूँ पर मेरी खुशी कहाँ है। फिर आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस वाले टैबू से बाहर निकलना शुरू किया और वो सब चीजें करनी शुरू करी जिससे मुझे खुशी मिलती थी। जब 2020 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई फैट डाइट्स नहीं करूंगी, क्रैश डाइट नहीं करूंगी वेट लॉस के लिए, तो तब मैंने अपना रीजन ढूंढा। इस बार मेरा रीजन ये नहीं था कि मुझे किसी और के लिए पतला होना है, मुझे ये था कि मुझे अपने वेलबींग के लिए पतला होना है। उस टाइम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हो गए थे, तो मुझे ये था कि अब मुझे अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए करना है, ना तो किसी ड्रेस में फिट होने के लिए करना है। तो जब मुझे मेरा सॉलिड वाई मिल गया, सॉलिड रीजन मिल गया कि मुझे पतला क्यों होना है, मुझे अपने वेलबींग के लिए होना है, तो मैंने चीजों को लिखना शुरू किया। मैंने एक डायरी मेंटेन की जिसमें मैंने लिखा कि मुझे क्या क्या इश्यूज हैं, Why I want to lose weight? तो सबसे पहला मेरा रीजन था I was overweight। मेरे लेग्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी, मेरे पूरे बॉडी में बहुत पेन रहता था, मेरे लिए उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया था, I was highly constipated, मैं बहुत ज्यादा constipation में रहती थी। Another thing, मेरे periods जो थे वो regular नहीं थे, बहुत ज्यादा irregular periods थे, I was diagnosed with PCOS also। तो मैंने उन सब चीजों को लिखा
और उसके बाद मैंने उन पे वर्क करना शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट रही, मैं अपने पिक्स क्लिक नहीं कराती थी, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं था। बट फिर मैंने अपना फोकस हटा के पॉजिटिव चीजों की तरफ किया। पहले मैं हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट देखती थी, शीशे के आगे खड़ी होती थी तो आप हमेशा अपने से नेगेटिव बातें करती थी, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं, मैं ऐसी हो जाऊं। बट अब मैं पॉजिटिव की तरफ जाने लगी। इंटरनेट पे भी जब भी कुछ देखती थी तो वर्कआउट्स वीडियोस देखती थी या कोई भी पॉजिटिव थॉट की वीडियो होती थी वो देखती थी। अपने माइंड को बेसिकली मैंने पॉजिटिविटी से फिल करना शुरू किया, अब पॉजिटिव थॉट्स लाने स्टार्ट किए कि यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ इसको, मुझे टाइम देना चाहिए, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि लोगों की बातों के। मैं अपने आप से कहने लगी आई एम वर्थी, आई एम एनफ, आई कैन डू दिस। हमेशा मैं यही कहती थी जब भी मैं शीशे के आगे खड़ी होती थी कि मैं जरूर बदलूंगी, मैं अपने ऊपर काम करूंगी। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचने लगी। बेसिकली मैंने पूरा ध्यान अपनी नेगेटिव बातें, नेगेटिव तानों से, अपनी बीमारी से हटाकर क्या मुझे उसके लिए करना है, रास्ते निकालने में लगाने लगी मैं ध्यान अपना सा। उसके बाद जो अगली चीज जिस पे मैंने वर्क किया वो किया मेरी संगति। हाँ जी, बहुत सारे लोग शायद मुझसे डिसएग्री करेंगे इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ जो भी मैंने फेस किया उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जो लोग आपके आसपास होते हैं ना वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में, आपको आपके गोल को अचीव करने में। कुछ लोग एग्री करते हैं आपके गोल के साथ, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि आप ये क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे ये सब क्यों कर रही है, क्या जरूरत है ये सब करने की, तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने देना, क्यों इतनी मेहनत कर रही है, एक ही तो जिंदगी है, खा पी ऐश कर, क्यों इतना पीछे पड़ी हुई है। अभी भी मुझे लोग बोलते हैं क्यों इतनी पागल हुई हुई है, कर तो लिया तूने वेट कम, क्या जरूरत है अब इस वेट के पीछे भागने की, बस खुश रहना, हो गया है तेरा वेट कम, इससे ज्यादा तुझे करने की जरूरत। तो आप मानो या ना मानो ये चीज पक्की है कि आपका माइंडसेट बिल्ड करने में आपके आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी मुझे कोई ड्रैग करता है पीछे की तरफ तो कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस चेंज होने लग जाते थे। मुझे लगता था हाँ वाकई में शायद मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत ओवर कर रही हूँ। बट फिर मैंने धीरे धीरे अपने गोल को समझना शुरू किया कि नहीं यहाँ तक नहीं है मेरा गोल, ये लोग गलत हैं। तो जो लोग आपको ड्रैग करते हैं पीछे की तरफ उनसे आप अगर पूरी तरह से कट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिस्टेंस बनाइए। आपको आपके गोल उसकी इम्पोर्टेंस ये सिर्फ आपको पता है कि आप क्यों अचीव कर रहे हैं, दूसरा हर कोई आपके गोल को समझ नहीं पाएगा। तो ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल जो आपको पुश करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि पीछे खींचे। मैंने कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया जिनसे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती थी, जिनसे मुझे हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये मतलब ये मेरे साथ नहीं है मेरे गोल में। तो मे बी ये चीज आपके लिए ना सही हो बट मेरे लिए ये चीज काफी हद तक फायदेमंद रही है। और अब मैं सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देती हूँ, पॉजिटिव लोगों की तरफ ध्यान देती हूँ, जो लोग मुझे पुश करते हैं उनके साथ रहना पसंद करती हूँ। और जो अगली चीज जिस पे मैंने वर्क किया वो था मेरा माइंडसेट। मैं हमेशा जब भी वेट लॉस करने की सोचती थी तो बस मैं वेट लॉस जल्दी से हो जाए इसके बारे में सोचती थी, मेरा सारा फोकस वेट लॉस पे रहता था। तो इस बार मैंने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर किया कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना वाई ढूंढा कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। उसके बाद जब मुझे चीजें जब मैंने एक्चुअली में करनी स्टार्ट की तो मैं उनको एंजॉय नहीं करती थी बिल्कुल भी, मुझसे डाइट नहीं हो पा रहा था, मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, चाहे मैं उसको एंजॉय नहीं करी। लाइफ में दो या तीन चीजें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती बट फिर भी आपको वो करनी पड़ती है क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, वो आपके वेलबींग के लिए जरूरी है। तो मैंने अपने एक माइंडसेट को प्रिपेयर किया कि मेरे लिए ये चीज करनी जरूरी है, ये मेरी हेल्थ के लिए जरूरी है, अगर मैं इसको करूंगी तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी, विद टाइम मैं इम्प्रूव करूंगी। अपने दिमाग में कोई गोल सेट नहीं करा, कोई टाइम सेट नहीं करा कि मेरे को 3 महीने में अचीव करना है, 4 महीने में अचीव करना है। तो मैंने सिर्फ एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, रिजल्ट के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। पहले मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि मैं इस डाइट को फॉलो करूंगी तो रिजल्ट आएगा ना, और अगर रिजल्ट आ गया तो मैं वापस से गेन तो नहीं कर लूंगी। तो इस बार मैंने कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स पे फोकस किया,
यहाँ से मेरे डिसिप्लिन की स्टोरी स्टार्ट होती है। रोज मैं सुबह उठती थी, चाहे मेरा मन होता था चाहे मेरा मन नहीं होता था, मैं फिर भी वर्कआउट करती थी, अपना वाई ढूंढती थी। जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, मुझे लगता था नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा या मुझसे आज ये डाइट फॉलो नहीं हो पा रही, तो मैं अपने वाई को ध्यान में रखती थी कि मैं कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, मैंने शुरुआत की थी तो क्यों की थी। तो यहाँ से मेरी डिसिप्लिन की जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ से मेरी कंसिस्टेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने अपने माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज किया। मैं इस बार किसी जल्दी में नहीं थी, मैंने कहा बस मुझे करना है इन चीज़ों को धीरे धीरे, वन डे एट अ टाइम मैंने चीज़ों को लेना शुरू किया। रोज मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदली, अपना माइंडसेट बदला, अपना फोकस बदला और अपनी गोल की तरफ मैं वर्क करती चली गई। और आज भी मैं उसी माइंडसेट के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रही हूँ और अपने गोल को डेफिनेटली मैं अचीव करूंगी। मेरे अंदर की पॉजिटिविटी है कि मैं डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करूंगी। ये एक ओवरऑल मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। अब मैं रोज सुबह उठती हूँ, मैं रोज सुबह वर्कआउट करती हूँ। मैं किसी दिन अगर वर्कआउट नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि अब मैं किसी एक गोल के पीछे नहीं भाग रही हूँ कि मुझे 10 किलो वजन बस मेरा कम हो जाए या 20 किलो मेरा वजन कम हो जाए। अब मैं ओवरऑल वेलबींग के लिए अपने वर्क कर रही हूँ। अब मैं पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ, बहुत हैप्पी मूड रहता है मेरा, हर चीज करने में मैं इंजॉय करती हूँ। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप क्या सोचते हैं, कैसे अपने गोल्स को देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अब थॉट देना बंद कीजिए, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये चीज के लिए वेट करना बंद कीजिए कि कब मंडे आएगा, कब किसी की शादी निकल जाए या मेरा बर्थडे निकल जाए तब मैं अपना वेट लॉस स्टार्ट करूंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला। आज ही से, अभी से ही शुरू हो जाइए और आप यकीन मानिए धीरे धीरे आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह मैं अपनी आने वाली सभी वीडियोस में अपने सारी तरह के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके लिए ये बातें, ये चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना है, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके लिए मैंने पहले अपनी वीडियोस में डिटेल में शेयर किया हुआ है, तो उन वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।